نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرين الحق حقا وارزقنا اتباع وأرين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين

वलो आमना आहलुल किताब बिला काना खैर लहुम ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था मिनहुमुल मुमिनून अगरचे इनमें कुछ ईमानदार भी पाए जाते हैं वो अक्सर हमुल फासिकून मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं तो अहले किताब के बारे में बता दिया गया कि इनके अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं मोमिन हैं लेकिन वो कम है माइनॉरिटी में है मोमिन से बुरा यहां पर यह है कि जो ईमान ले आए इसलिए कि जैसे पिछली जो हम ये आयत देख रहे हैं इस आयत के पिछले टुकड़े में यही था कि वलो तो उसी का तसलसल है कि कुछ ऐसे है जिन्होंने वाकई ईमान का हक अदा कर दिया ईमान के बारे में हम जानते हैं कि एक रसूल का एक नबी का एक किताब का इनकार करना ऐसा ही है जैसे कि सारे अंबिया का इनकार करना बेसिक डेफिनेशन ईमान का यह है एक दफा हम ये डेफिनेशन समझ जाए इनशाला फिर हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुसलमानों के अलावा और कौन कौन मोमिन है कौन कौन ईमान वाला है इसलिए कि हम जानते हैं कि ईमान जो है वो जन्नत में दाखिले की शर्त है ईमान के बगैर तो जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है अगर मेरे और आपके बस में होता हम तो कहते सब जन्नत में चले जाएं हम तो ये चाहेंगे ना अपने बद से बद दुश्मन के लिए इंसान नहीं चाह सकता कि वो जहन्नुम के अजाब में मुबतला हो और वो क्यामत का दिन जो पचास हजार साल का दिन होगा उसकी सख्तियां बर्दाश्त करे मैं और आप तो नहीं चाहेंगे लेकिन मेरे और आपके चाहने से क्या होता है वही होता है जो कि अल्लाह ताला का अपना फैसला है तो अल्लाह का तो फैसला यही है कि ईमान और अमल ये दो शरात हैं जो जन्नत के दाखिले के लिए इंसान को एलिजिबल करती हैं तो इनमें से कुछ हैं अहले किताब में से जो वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे और ईमान लाते रहे और आज भी ईमान ला रहे हैं। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि बहुत से सलाम के पैरोकार इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं और ये भी अल्लाह ताला ने हकीकत बता दी कि अक्सर वह मुल्ल अक्सर तो इनके वैसे फासिखी हैं। फासिक क्या है फिस्क का मतलब होता है कमी के साथ किसी चीज से बाहर निकल जाना किसी कमी के साथ something lacking in them. और वो कमी किस चीज की है अल्लाह की इताद की सच्ची बात तो ये है कि अपनी किताब पर अमल का भी हक अदा नहीं किया अपने रसूल की ताजीम का इतात का हक अदा नहीं किया और इतात से पहले जरूरी है कि ताजीम हो देखिए एक इंसान खौफ की वजह से भी किसी की इतात कर लेता है इज्जत नहीं करता डरता इतना है कि वो तामील कर लेता है सजा के खौफ से या किसी के रोब की वजह से लेकिन जहां तक अंबिया और रसूलों का मामला हुआ करता था वो तो सरापा पुकार रहे होते थे कि हमारी इज्जत करो सरापा इज्जत के काबिल हुआ करते थे तो अगर इज्जत ही नहीं करी रसूल की तो फिर तामील और इताद कहां से करेंगे तो ये इनका आज भी इशू है ये तो एक स्टेटमेंट ऐसे है कि कोई बड़े से बड़ा क्रिश्चियन बड़े से बड़ा जीव इसके खिलाफ आवाज खड़ी नहीं कर सकता कि नहीं हम तो फासिक नहीं है बिल्कुल है शरीयत तो उन्होंने अबेंडन कर दी है उसको उन्होंने एक तरह से सस्पेंड करके रख दिया है उनको अमल करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता उनका कोई दिल नहीं है कि अपनी शरीयत पे अमल करें ना रसूलों की ताज़ीम है और ना रसूलों की इज्जत है अगर वो कार्टून्स बना सकते हैं वो मूवीज बना सकते हैं, और वो मजाक उड़ा सकते हैं और कैरिकेचर्स बना सकते हैं और नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला अपने रसूल पर और अब तक ईसा सलाम पे कौन सा गंदा इल्जाम है जो उन्होंने लगा नहीं दिया और नाउजुबिल्ला मजे का खेज कस्म की मूवीज की बनाना ताकि वो कोई कॉमेडीज हों उसके ऊपर अपने रसूल के ऊपर कॉमेडीज बनाते हैं तो अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई है वो सौ फीसद दुरुस्त है हरगिज इसमें कोई एंटी सेमिटिज्म नहीं है कोई रेसिज्म नहीं है पुरान के अंदर जो लोग इल्जाम लगाते हैं ऐसी कोई बात नहीं एक हकीकत है इसको हम कहते हैं ना कॉलिंग स्पेड स्पेड अल्लाह तई नाउजु बिल्ला इलेक्शन लड़ने खड़ा नहीं हो रहा अल्लाह त कोई पॉपुलर सपोर्ट की फिक्र नहीं है अल्लाह तला को ये कोई डर नहीं है कि लोग नाराज हो जाएंगे ओ माई क्या अल्लाह तोचे ओ व्हाट विल पीपल से ये अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है इन चीजों की लोगों को फिक्र होनी चाहिए कि व्हाट वॉट व्हाट विल अल्लाह से अल्लाह क्या कहेगा हमारे बारे में ये फिक्र उनको होनी चाहिए तो ये जो सारे अल्लाह तला ने यहां फरमाया ये यह हकीकत है जिसका के इजहार कर दिया और हमें समझा दिया गया है कि तुम उनके प्रोपेगेंडे उनकी बातों में मत आना इसलिए प्रोपागेंडा हकीकत है बहुत है जो वो एतराज उठाते हैं एग्जैक्टली वही एतराज वो इस्लाम पर उठा रहे हैं जो अपनी शरीय पर उठा चुके हैं ऑलरेडी हम नबी के सार्टून पर नाराज होते हैं वो तो अपने अंबिया का इससे ज्यादा बुरा हाल कर चुके हैं कभी इनकी किताबें पढ़ें तो पता चले इनका अपना कहना है अपना कहना है कि बाइबल इस काबिल नहीं है कि खानदान में बैठ के बाप बेटा माँ बेटी सब मिलकर उसको पढ़ सके ये इनका अपना कहना है इन्होंने इतनी तब्दीलियां इतनी खुराफात अपनी पाख किताब में दाखिल कर दी है किसी ने कहा है कि पोर्नोग्राफी को बैन करेंगे सबसे पहले बाइबल बैन करनी होगी ये तो इनका अपना हाल है इनके अपने चैपल्स में अगर कभी आपका देखने का किसी कोई वीडियो देखने का या खुद जाकर देखने का इतफाक हुआ जो इनके सिस्टीन चैपल वगैरह हैं उसमें बगैर लिबास के उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई है चैपल के अंदर सब वहां पर मौजूद है अपने मुजस्मे हैं इनके वहां रखे हुए हैं तो ये तो अल्लाह जो फरमा रहा है इससे ज्यादा सच्ची बात और क्या होगी तो लिहाजा हम भी बाज दफा बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं कुरान का मतलब ये नहीं है ये मतलब नहीं है हमें कोई अपॉलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है एग्जेक्टली कुरान जो कह रहे है उसका यही मतलब है अल्लाह तला को किसी अटॉर्नी की जरूरत नहीं है डिफेंस अटॉर्नी की जो खड़ा होकर और अल्लाह के बिहाव पर अल्लाह को डिफेंड करे कि नहीं आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह नाउजबल्ला कोई जरूरत नहीं जो हकीकत है वो है अल्लाह ने उनको आईना दिखा दिया और हम भी जरा देखें, चूंकि उनकी तहजीब बहुत आला हो चुकी है चूंकि उनकी तरक्की बहुत ज्यादा हो चुकी है चूंकि वो मरीख पर पहुंच चुके हैं हम समझते हैं चुके दुनियावी तरक्की हो गई है लिहाजा वो सब के सब जो है वो एक पैरागन ऑफ वर्चियों हैं ऐसी कोई बात नहीं जो उनकी रूहानी हालत है जो उनकी ईमानी हालत है जो अल्लाह के उनका मकाम है हमें उससे डरना चाहिए और हमें वो हरकतें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हो रहा है और होता रहा और जिसकी वजह से वो गुमराह हो गए कितने दिन रहेंगे दुनिया में थोड़े ही दिन की बात है फिर तो जाना है ना यहाँ से फिर होगा क्या वो जिंदगी में जो कि खत्म होने वाली नहीं है तो उसी के बारे में फरमा के देखो इल्ला अदा, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ज्यादा से ज्यादा कुछ सता सकते हैं सताना अपनी जगह सताना शुरू से जारी किया वह तंग शुरू से किया आज भी किताबें लिखते हैं के द वॉर्स एंड वाइव्स ऑफ मोहम्मद सल्लाह वो तो नहीं कहते सल्लाह वसल्लम वो तो हम कहेंगे कौन सा इशू है जो उन्होंने छोड़ा है कौन सी चीज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया टोटली चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके मिसाल के तौर पर मे खाल हम सबके इल्म में ये बात होगी कि आयशा रदा की उम्र को जो इशू बनाया गया है कि उस उमर में शादी की कैसे आखिर हालांकि जरा से इसमें इतने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से काम अगर लेते तो उनको खुद बात समझ आ जाती कि साढ़े चौदह सौ साल पुराने माशरे को आज चलाके एक्सट्रापोलेट करना आज के हालात पर ये किसी तरह की ईमानदारी नहीं है हम अगर खुद भी देखें आप अपनी दादियों से या अपनी दादियों अगर आपकी दादी जिंदा है पूछे उनकी माँ की शादी किस उम्र में हुई थी तो हमें पता चल जाएगा आपको बताया था कि अमर बिन आस और उनका जो बेटा था अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस याद है आप में से किसी को कितना उम्र का फर्क था दोनों में बारह साल का बारह या तेरह साल का आज तो हम स्कैंडलाइज हो जाए चाइल्ड मैरिज और पता नहीं हम क्या क्या उसके ऊपर जो है वो इल्जाम जो है वो पिडो फेलिया के नावज बिल्ला लगा दें लेकिन उस जमाने का दस्तूर था एज डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं थी और मुद्दतों तक यही मामला रहा दुनिया में हकीकत है कि मिया और बीवी में चालीस साल का फर्क नो बिग डील उस जमाने में कोई बड़ी बात नहीं थी वो जरा सा उसके उसका सर्वे कर लेते और किया है उन्होंने यकीनन बात यह है कि उन्होंने छुपाया है सारा कुछ और हमको तोफीक नहीं होती हम अपनी तारीख पढ़ें अली रज अल्लाउन की बेटी फातिमा अनहा से ठीक उनके लिए रिश्ता किसने दिया किसने रिश्ता दिया होगा आपके ख्याल में जी बताइए जी उमर रज अल्लाउ अन ने और वो उनके निकाह में थी ये हुआ है ना सब कुछ तो हम ये सारा कुछ देखते हैं अलहमदुल्ला तो उस जमाने का दस्तूर था उस जमाने में ऐसा ही हुआ करता था और आज भी पच्चीस साल तीस साल का फर्क कोई छोटी बात नहीं समझी जाती कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती तो ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती रहेंगी और कई दफा जो हम खत यहाँ पढ़ रही हैं तो खातिन के हवाले से जो उनका प्रोपागेंडा है हकीकत है कि इज वेरी वेरी इफेक्टिव उसका बहुत असर पड़ा है हमारे ऊपर हिजाब को हमने कैद समझा चादर और चार दीवारी की हिफाजत को हमने जो है वो अपने हकूक पर जद पड़ता महसूस किया मर्दों का और तौर पे शौहर को जो अल्लाह तला ने रुतबा दिया है उसके खिलाफ शदीद रिएक्शन का इजहार किया गया और अभी भी हमसे करवाया जा रहा है तो ये सब बातें क्या हैं तकलीफ अमन कहाँ है इस्लाम के अंदर सिर्फ वो साइकोलॉजी का सोशियोलॉजी का सिविलाइजेशन के इवाल्व होने का सिविलाइजेशन में जो खासतौर पर फैमिली स्ट्रक्चर को जो एक अहमियत और बुनियादी हैसियत हासिल है उसको स्टडी करके देख लें और वो खुद आज उनकी अपनी औरतें उनकी अपनी क्रिश्चियन या जीव या एग्नोस्टिक खातिन किताबें लिख रही हैं कि मियाँ के साथ कैसे रहना चाहिए और उसका टाइटल है आई सरेंडर आई सरेंडर ये किताब का नाम है और लिखा है उन खातून ने कि हर वक्त शोहर से झगड़ा करते रहना हर वक्त बराबरी के दावे करते रहना इसने मुझको कितना नुकसान पहुंचाया मेरी जाति जिंदगी में कितना नुकसान हुआ और फिर कैसे उन्होंने अपने आप को बदला और किस तरह से उन्होंने फिर शोहर की इताद शुरू करी और शोहर को रुतबा देना शुरू किया कि उसको एक दर्जा अपने से ऊपर दिया तो अब वो कितनी पुरसकून है और वह मैरिज काउंसलिंग करती हैं और हम आंख बंद करके चल पड़ते हैं हर तरह के स्लोगन के ऊपर ये हमें जेब नहीं देता हम अहले किताब से एक दर्जे आगे हैं हम अहले कुरान हैं अलहमदल्ला तो ये तकलीफ दे बातें हैं ये सुन के बर्दाश्त कर लेनी चाहिए लेकिन इसके अलावा जो तकलीफें हैं वो हमको पहुंचा रहे हैं क्यों इसलिए कि हम उम्मत नहीं रहे हैं याद है आपको हमने कल भी बात की थी कि यहां जो चीजें तो आ रही हैं आयत नंबर 11 में ये पिछली आयत के साथ कंडीशनल हैं मशरूत हैं हम वैसे होंगे जो पिछली आयत में बताया गया तो ये ना मिलिटेली हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे ना साइकोलॉजिकली हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे और ना आइडियोलॉजिकली और ना रिलीजियसली हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे लेकिन क्या आज बिगाड़ रहे हैं जी हाँ बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं तो फिर इसलिए कि हमने उन पिछली तीन आयतों पे हम कहा अमल कर रहे हैं तो लिहाजा अगर वो तीन आयतें जो आ चुकी अगर उनको इम्प्लीमेंट कर लिया गया तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और लन आया है उसको नफी जोहत कहा जाता है सख्ती से इंकार है हर गिज नहीं कुछ कर सकेंगे तुम्हारा अल्लाह गारंटी दे रहा है वह इन युकवात लूक हों और अगर वो जंग करने आएंगे तुमसे युवा लोकमल अदबार तो वो तुमसे पीठे फेर लेंगे पर कहीं से उनकी मदद नहीं की जाएगी और ये हकीकत है रुकता ना था किसी से सैलें रवा हमारा ये सिर्फ शेर नहीं है हकीकत है कभी आप मैप देखें कि मदीने से निकल कर और मुसलमान कहाँ पहुंच गए सिसली तक पहुंच गए थे कहाँ तक उनका अलहमदल्ला रकबा रहा है रोमन एम्पायर से बड़ी मुस्लिम एम्पायर थी अलहमद और अब भी आसार और तारीख हम देख सकते हैं कि जहां गए डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन के नहीं गए जाके लोगों के अंगूठे नहीं कटवा दिए कि वो कॉटन ना बना सके और लोग वहां का लोकल जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी खत्म नहीं एनहाइलेट नहीं कर दिया उसको जैसे कि साउथ अमेरिका में देखा हमने कि ऐसे ऐसे डिजीजेस लेकर गए थे यूरोपियंस कि वहां की तो सारी इनका थे एजेटिक्स थे सब बर्बाद होके रह गए खत्म होकर रह गए जिनोसाइड हो गई ना एक तरह से उनकी फॉर वट रीजन जहां गए मुसलमान वहां की उन्होंने सिविलाइजेशन को दो कदम आगे बढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह तो फतह पर फतह अल्लाह ताला ने उनको दी और हकीकत है कि मुसलमान अक्सर और बेशतर तादाद में कम हुआ करते थे रिसोर्स में कम हुआ करते थे लेकिन अल्लाह की मदद आती थी मुजाना मदद आती थी मुझ अल्लाह की इसलिए हकीकत है कि वो ईमान के बलबूते पर आगे बढ़े थे हम एक एक की गारंटी नहीं ले रहे लेकिन मेजोरिटी ईमान वाली थी तो ये अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हुआ आगे फरमाया दुरे बत अलहमोल्ल नमाज सु जहां भी पाए गए इन पर जिल्लत की मार पड़ी यही इनके लिए अल्लाह ताला का फैसला है कि इन पर जिल्लत की मार पड़ेगी और खास यहां जिक्र किसका है शुरू में हमने सूर्य इमरान में पढ़ लिया था किनका जिक्र है जिन्होंने ईसा सलाम का इनकार किया और ईसा सलाम के मानने वाले तो दो हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और ईसा का इनकार करने वाली सिर्फ एक ही मोनोथिस्ट कौम है वो कौन है जूस यहूद तो फरमाया कि उनपे तो जिल्लत की मार पड़ी जहां भी वो पाए गए और थ्रू आउट हिस्ट्री यही होता रहा हाँ कभी को रेस्पाइट अगर मिली इनको कहीं को थोड़ी सी मोहलत मिली इनको तो किस तरह दो तरह नंबर एक अला बेहबिम बिनल्ला कहीं अल्लाह के जिम्मे पनाह मिल गई तो मिल गई तो जिल्लत से बचने का रास्ता क्या है कि अल्लाह की पनाह में आ जाए और अल्लाह की पनाह फकत एक, एक पूरी दुनिया इमेजिन करें कि बर्बाद हो रही है कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया और यह ऐलान किया जा रहा है कि बस सिर्फ एक खत्ता है जमीन का जो कि इस रेडिएशन इस तबाही से बचा हुआ है आप मुझे बताएं लोग कैसे दौड़ेंगे उसकी तरफ तो ये हर तरफ बर्बादी है सिवाय इसके कि क्या कि एक एक जो के रास्ता बता दिया गया एक जरिया है जिससे बच सकते हैं और वो क्या अल्लाह की पनाह में आ जाएं और अल्लाह की पनाह क्या है इन नदीना इस्लाम दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम है तो इस्लाम कबूल कर लें नंबर एक ये अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे एक और भी तरीका है अल्लाह की पनाह में आने का वो ये है कि इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन हो इस्लाम की हुकूमत हो और इस्लामी हुकूमत के मातहत ये प्रोटेक्टेड सिटीजन बनकर रहे हैं, जिम्मी बनकर रहे हैं। जिम्मी ये टर्म खास आती है कि नॉन मुस्लिम्स जो कि इस्लामी हुकूमत में रह रहे होते हैं उनकी जान माल इज्जत दीन की हिफाजत इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है तो ये दो सूरतें हैं मिन की, दूसरा है वह या कहीं पनाह इनको मिली है तो इंसानों के जरिए से मिली है अच्छा अब ये सूरत क्या है कि अच्छा इस्लाम कबूल नहीं कर रहे नंबर टू इस्लामी हुकूमत के मातहत नहीं जिंदगियां गुजार रहे तो थर्ड ऑप्शन क्या अल्लाह ताला ने इनको दिया है इनके सर्वाइवल का वो ये दिया है कि किसी वर्ल्ड पावर की पुष्ट पनाही इनको हासिल हो जाए हबल मिनन्नास हबल दरअसल रस्सी को कहते हैं मुरादे सबब जरिया और आज भी हम ये देख रहे हैं कि ये हकीकत है कि कोई सुपर पावर इनकी पुष्ट पर होता है और उस सुपर पावर की के सहारे ये अपना वजूद कायम रखते हैं वह बाद बेमिनला और वह अल्लाह के गजब में घिर गए हैं वह दुरे बतम और मोहताजी और मगलू भी मुसलत कर दी गई है ये मजलूमियत की बात भी हम पीछे कर चुके कि आज भी यहूदियत की पहचान मजलूमियत है विक्ट मैंटेलिटी वो हॉलोकॉस्ट को ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं होलोकास्ट के आगे बड़ी बड़ी जेनोसाइड्स हो गई हैं, बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हो गई हैं, मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ टूट गए हैं लाखों लाखों मुसलमान कत्ल और बर्बाद कर दिए गए लाखों बच्चे बेघर हो गए लेकिन वो किसी और की तकलीफ को सामने आने देते नहीं जब उनको लगता है कि लोग होलोकॉस्ट के बारे में थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं या भूल रहे हैं वो कोई म्यूजियम बना देंगे वो कोई मूवी बना देंगे वो कोई सेमिनार कर लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे आपको याद है जो हमने वो डेमोग्राफिक चार्ट देखा था उसमें कितने हैं ये दुनिया में इस वक्त पॉइंट पॉइंट जीरो टू आया था शायद ये पॉइंट टू कितने इतने से हैं बहुत थोड़े लेकिन हॉलोकॉस्ट के बारे में कुछ कहना ये कानून के खिलाफ है ये ऐसा जुर्म है जिससे कि जेल हो सकती है इनका आप ये प्रेशर देखें जो मकदूब अलिम है जिन पर की मस्कनत दे मारी है अल्लाह ने उन्होंने माइनॉरिटी माइक्रो माइनॉरिटी होते हुए अपना क्या आरोप जमाया हुआ है देखें जरा और एक मेरा और आपका हाल है हम मुसलमान हैं कि हम दिल नहीं लगा सकते अल्लाह की किताब में हमारा दिल आता नहीं हम तो मुतफरक इतने ज्यादा हैं कि इत्याद है ही नहीं हमारे अंदर तो हम डेढ़ अरब होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे कोई हैसियत नहीं है हमारी दुनिया के अंदर तो ये जिल्लत और मस्करत तो हम पे भी दे मारी गई है और वजुहत वही है सारी जो कि बनी इसराइल की थी हमने कल भी बात की थी कि जब एक हामिल शरीय कौम शरीय छोड़ देती है अल्लाह ताला उसको खत्म नहीं कर देता उस पर अजाबिस्ती साल नहीं आ जाता अल्लाह उसको निशान इबरत बनाकर दुनिया में छोड़ देता है कि देखो जिल्लत इसको कहते हैं कि नावजिल्ला हाल ये हो गया है मुसलमानों का कि कहीं मुसलमान मुल्क से बाहर ट्रैवल करना हो लोग कहते हैं मोहम्मद नाम नहीं रखना पकड़े जाओगे अहमद नाम नहीं रखना हिजाब पहन के मत जाना सुनते होंगे ना आप भी ये सारी बातें ये जिल्लत का हमारे हाल है और अब भी अगर में दीन की गैरत नहीं जाती तो अल्लाह जाने फिर कब जागेगी फिर हम कैसे दुरुस्त होंगे तो बहरहाल जहां तक इनकी जिल्लत का ताल्लुक है ये तो हकीकत है कि आज भी इनका मामला यानी कि कुछ न कुछ इनको एक एम्पावरमेंट मिल तो गई है इन्होंने अपने आप को मनवा तो लिया है लेकिन वही वाली बात है कि अपने आप को ये हमेशा आज तक मजलूम ही करार देते हैं कि हमें बचाओ हम बहुत मजलूम हैं, हमारा ख्याल करो हम बहुत मजलूम हैं। रिका ये क्यों मामला इनके साथ किया वे अन्ना हुकानक फरून बे आ या तख तुल्बी अब गई बीमार सा हुआ कानू याद ये सब इस वजह से हुआ अल्ला की अल्लाह की आयात से कु रहे और उन्होंने पैगम्बरों को नाक कतल किया की उनकी नाफरमानियों और जो का अंजाम है दिका ये मामला जो इनके साथ हुआ होता रहा पिछ, पहले भी और आज भी अल्लाह तला चाहेगा तो यही मामला या एक हद तक तो हो रहा है और फिर आगे अल्लाह तेज से निमट लेगा वजह क्या है देखा जाए तो कसूर तो किया था आज से सदियों पहले के यहूदियों ने कि उन्होंने अंबिया को कत्ल किया था तो फिर आज के यहूदी का क्या कसूर सीधी बात है ना आज जो बच्चा किसी जीव के घर में पैदा हो रहा है उसने तो किसी नबी को कत्ल नहीं किया तो उसको सजा उस पर जिल्लत और मस्कनत क्यों दे मारी जाए बात यह है कि ये ऐसी कौम है कि जो दीन के ऐसे ही दुश्मन है जैसे के पहले थे आज दुनिया में जिस तरह बाज गुनाहों को ना सिर्फ एक्सेप्टेबल बना दिया बल्कि एक्सपेक्टेड बनाया गया है इस माहौल में ये सोचें कि लूत अलैहिस्सलाम आ जाएं उनके साथ क्या मामला करेंगे सोच लें अगर आज अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो उनके साथ क्या मामला करेंगे आज अगर नबी अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं उनके साथ ये क्या मामला करेंगे यही मामला करेंगे जो उनके आबाजाद करते रहे तो बात यह है कि नस्ल नस्ल दर नसल इन नराय का असर मुंतकिल हो रहा है इसलिए दे ओ दो क्राइम्स वो शर्मिंदा नहीं है उसके ऊपर हमने गलत किया अगर शर्मिंदा होते तो अपनी किताबों में जो इन्होंने गंदे इल्जामात सुलेमान सलाम पे दाऊद सलाम पे सलाम पे सलाम पे जो गंदे इल्जाम लगाए हैं उनको एडिट कर देते ना सेंसर कर देते उनको तो नहीं किया उन्होंने इसका मतलब है कि जो इनके आबावा अजदाद ने गलतियां की थी जिसकी वजह से वो अल्लाह की कीत और अल्लाह के गज़ब के मुस्तह बने थे और आज ये उन तमाम चीजों को अपना रहे हैं कह रहे हैं हां ये बिल्कुल सही किया हमारे अबाव अजदाद ने लिहाजा उसी सजा के ये मुस्तक हैं। तो जब रसूलों की गैर मौजूदगी में उनका मजाक उड़ा रहे हैं और नफरत का इजहार कर रहे हैं तो जब रसूल मौजूद थे तब भी यही मामला किया लेकिन आप कुरान का ये इंसाफ देखें कि गेहूं के साथ घुन नहीं पीसा कुरान ने चाहे आटे में नमक के बराबर है चाहे माइक्रो माइनॉरिटी है लेकिन जो नेक है उनकी अलग से कुरान ने तारीफ कर दी है और हकीकत है यकीनन आज भी बहुत से प्रैक्टिसिंग जूस हैं, बहुत से प्रैक्टिसिंग हैं, आज भी मौजूद हैं। तो अब उसके बारे में फरमा के लई ये सारे एहले किताब यकसा नहीं है मिन किताब एहले किताब में से ऐसे हैं उम्मत एक उम्मत एक जमात ऐसी है, जो रास पर कायम है कॉमत यानी शरीय पर कायम है आयात ही आना रातों को अल्लाह की आयात पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा रेज होते हैं ये उनकी तारीफ कर दी है यथलूना आया यथलूना के दो मतलब है या अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं ये भी तला यथलू यही है या अल्लाह की आयत की तिलावत से मतलब है कि अल्लाह की आयत का इतबा करते हैं फॉलो करते हैं कमरी इजा तलाहा आता है ना व वल कमरी इजा तलाहा कसम है सूरज और उसकी धूप की और चांद की जब उसके पीछे पीछे आए सूरज के पीछे पीछे आए तो तला यत्लू का एक मतलब होता है तिलावत करना एक मतलब होता है फॉलो करना पीछे पीछे आना और अल्लाह की आयत यकीनन आज भी तौरात में मौजूद हैं, आज भी बाइबल में मौजूद हैं, और जो हकीकत में उन आयात पर ईमान रखता है जैसे इनके अपने ही स्कॉलर्स कहते हैं ये किसी मुसलमान का कहना नहीं है इनके अपने स्कॉलर्स कहते हैं कि आज भी बाइबल में और तौरात में अल्लाह की आयात मौजूद है यकीन है और उनकी मिसाल वो ऐसे देते हैं कि बाकी सारी तहरीफ के दरमियान वो आयात आज भी ऐसे चमकती है लाइक अ डायमंड इन अ डंगल जैसे के जानवर के गोबर के अंदर हीरा चमक रहा और बाज मिसालें बाज आयात आप पढ़ें, लगता है कि कुरान और वो एक ही है हम आगे पढ़ लेंगे हता यले जल जमलू फिर फीसमिल फी खयात कुरान में आता है कि ये काफिर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे जब तक के ऊट सुई के नाके में दाखिल ना हो जाए जब तक कोई कैमल ना दाखिल हो जाए इन दी आई ऑफ द नीडल ये कुरान कहेगा और एग्जैक्टली exactly यही मिसाल बाइबल के अंदर बयान हुई हुई है तो वो तो है अलहमद ला वो चीजें तो हैं तो जो उन आयत पर ईमान रखेगा जब वो कुरान खोलेगा फौरन समझ जाएगा कि एक ही जरिया है इन दोनों का ये एक ही हस्ती की नाजिल करदा किताबें हैं तो जो अपनी किताब का सच्चा मानने वाला है बाइबिल का तोरात का वो जरूर बिल जरूर कुरान पर ईमान लाता है तो ये उनका जिक्र है अल्लाह की आयत पढ़ते हैं वह होम यश और अल्लाह के आगे सजदे करते हैं सजदा इस वक्त हमारी ही नमाज के अंदर है वरना आम पे इनका इनके यहाँ सजदा नहीं है दीवार गिरिया के बारे में बताया था आपको ना वेलिंग वॉल जो इनकी है जेरोसलम में ये जैसे कि हम बेतुल्लाह जाते हैं ये वेलिंग वॉल पढ़ जाते हैं तो वह सजदा नहीं करते खाली अपना माथा टेकते हैं और थोड़ा थोड़ा इनका तरीका है कि नमाज ऐसे होती बस ये हिलते रहते हैं हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके कुछ इनके तरीके ऐसे हैं और ये सजदा हमारी ही अलहमदुल्ल इबादत का हिस्सा है और आगे फरमाए योमिन बिल्ला वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर वल योमिल आखिर और आखिरत पर ईमान रखते हैं किस अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह जिसका बेटा है वो अल्लाह नावज बिल्ला जिसको किसी औरत ने पैदा किया मदर ऑफ गॉड ये मरियम सलाम को मदर ऑफ गॉड कहते हैं तो ये तो कोई ईमान ही ना हुआ तो यो मिनोना बिल्ला का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ईमान रखते हैं जैसे रखना चाहिए अल्लाह पर अल्लाह मौजूद है और अल्लाह की तमाम सिफात को मानते हैं शिरक नहीं करते देखिए जो शिरक करेगा उसके लिए कभी कहेगा अल्लाह के अल्लाह पर ईमान लाते कभी भी नहीं ईमान का मतलब ही ये है कि अल्लाह को एक मानो और अल्लाह को वैसा मानो जैसे कि अल्लाह ने बताया है तुमको और ये इस्लाम के अलावा कहीं मौजूद नहीं है हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम मुसलमान हैं और हम मुतासिब मता, हैं या प्रेज हैं ये हकीकत है हकीकत है कि तौहीद इस्लाम के अलावा है ही कहीं नहीं पाई नहीं जाती कहीं तो किसी और तरफ रुख कर नहीं सकते और योम आखिर को मानते हैं अल यौम आखिर इसको योम आखिर इसलिए कहा जाता है कि इसके बाद तो कोई दिन आना नहीं ये आखिरी दिन होगा और योम आखिर को थोड़ा सा जरा एक्सपेंड कर लेते हैं और वो ये है कि योम आखिर पर ईमान का मतलब ये होगा कि मरने के बाद क्या होगा योम आखिर पर ईमान का मतलब कि मरने के बाद जो कुछ इंसान के साथ होता है जिसकी ये खबर अलैहि वसल्लम ने हमको दी है उन तमाम बातों पर ईमान लाते हैं ये सब गैब शुरू हो जाता है ना मरने के साथ ही बल्कि मरने के वक्त ही गैप शुरू हो जाता है कैसे फरिश्ते आते हैं हम वहां बैठे होते हैं हमें तो नजर नहीं आते तो हदीस में आता है ना कि मम माता फकत कामत क्यामत हो जो मर गया उसकी तो क्यामत कायम हो गई उस पर से तो गैब के पर्दे उठ गए और जो हम जिंदा लोग हैं हमारे लिए तो गैप का पर्दा पड़ा हुआ है हमें नहीं पता कि मरने के वक्त और मरने के बाद क्या होता है तो उन तमाम बातों पर हम ईमान लाते हैं जो कि आप वसल्लम ने हमको बताई कि ये और ये और ये होता है तो यानी योमुल आखिर में क्या क्या आ गया जो मरते वक्त मामला होता है व नाजियात गर्खवा नश्ता फिर कबर का कबर का सारा हाल कि कैसे मुनकर नकीर आते हैं सवाल जवाब होते हैं फिर बरजख का सारा मामला कि वो कबर जो है या तो वो जन्नत का बागीचा या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा अजाब कबर या सवाब कबर फिर किस तरह कबरों से निकलेंगे फिर क्या होगा हशर के मैदान में फिर कैसे होगा हिसाब किताब ये सब चीजें योम आखिर के अंदर आती हैं और हमें ये चीजें सिर्फ इस्लाम ही में मिलेंगी और कहीं नहीं हम पहले भी बात कर चुके कि अपनी किताबों से यानी कि बाइबल और तौरात से इन्होंने आखिरत का जिक्र ऑलमोस्ट एडिट कर दिया सारा सारा सेंसर कर दिया आखिरत का जिक्र ना होने के बराबर है इनके यहां तो ये उनकी खूबियां हैं यानी कि वो मुसलमान है वो या मरूना बिल मारूफ और वो हुक्म देते हैं मारूफ का मारूफ का हुक्म देते हैं यानी के जिक्र किसका है अहले किताब का याद रखें तो अपने लोगों को यानी गैर मुस्लिमों के साथ सबसे बड़ा जो अमर बिल मारूफ ये करते हैं वो ये है कि इस्लाम की दावत देते हैं इस्लाम की तरफ उनको मदू करते हैं इनवाइट करते हैं वो यहां अनिल मुन्न कर और ये बुराई से रोकते हैं सबसे बड़ा मुनकर जिससे कि ये रोकते हैं अहले किताब जो कि मुसलमान हो गए होते हैं शिरक से रोकते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इनकार से रोकते हैं और कभी इन रिवर्टेड मुस्लिम्स के बारे में पढ़ें किस जज्बे से ये तबलीग करते हैं अपने खानदान वालों को कितना तड़पते हैं अपने वालदे के लिए कि किसी तरह ये मुसलमान हो जाए अपनी बीवी बच्चों के लिए कैसे तड़पते हैं किस खुलूस के साथ और किस जज्बे के साथ ये तबलीग करते हैं कि जो देखा है मैंने वो औरों को भी दिखला दूं इनको भी हक नजर आ जाए इनको भी समझ आ जाए कि ये कितनी गलती पर हैं और ये कितनी गुमराही पर हैं अब वो तो जाहिर उनको तो एडवांटेज इस तरह से हासिल है कि वो तो अपने दीन को इनसाइड एंड आउट जानते हैं मुझको और आपको तो एडवांटेज ही हासिल नहीं है तो जो इस तरह के होते हैं रिवर्टेड मुस्लिम्स वो बेहतरीन तबलीग करते हैं बहुत उमदा करते हैं इसलिए कि वो तो सब जानते हैं कि देखो ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है हम अगर कहें तो हमसे तो कहा जाए कि तुम तो एंटी रिलीजन हो और तुम तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको तो ये कुछ नहीं कह सकते ना वो तो, तो, तो उन्हीं में से एक होते हैं तो लिहाजा वो नेकी का हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं वो यो सारे ओ ना फिलखी रात और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं ये भी बहुत खूबसूरत यहां पे अंदाज है देखिये सारे ओ का लफ्ज आता है कुरान में मुसाबकत करो हुँ? कम्पीट करो लेकिन कंपटीशन में आप देखें अगर इस वक्त आपसे कहा जाए कि आप सब कंपटीशन करें कि सबसे पहले उस दीवार को कौन छूता है फॉर एग्जाम्पल जैसे रेसिंग होती है ना तो उसके लिए फिर इला का लफ्ज आता है कुरान में आता है सारी वो इला मकफिरत में रब व जन्नत कि तुम कम्पीट करो जन्नत की तरफ और अल्लाह के मकफिरत की तरफ तो क्या लफ्ज आता है सारे के साथ आमतौर पे इला इला आता है ये हर्फ आता है यहां क्या लिखा है बताएं लिखा। फी लिखा हुआ है फी लिखा हुआ फी का मतलब क्या होता है ये, ये जगह है में यानी नेकी के खास हदफ तक पहुंच जाते हैं फिर उससे बढ़कर अपने लिए टारगेट सेट कर लेते हैं किसके बाद अब ये करना है फिल खैरात कॉन्स्टेंटली वो कम्पीट करते रहते हैं नेकियों के अंदर और नए नए टारगेट्स अपने लिए सेट करते रहते हैं एक जगह पहुंच गए फिर एक और जैसे बाद लोगों को जो पढ़ने का जुनून होता है कि उन्होंने अगर बैचलर्स कर लिया फिर कहते हैं मास्टर्स करना है फिर कहते हैं पीएचडी करना है फिर कहते हैं फलां चीज में स्पेशलाइज करना है बाद दफा लोग मेडिसिन की डिग्री लेते हैं उसके बाद फिर वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं फिर वो बायो मेडिसिन के अंदर और यानी कि जो इंजीनियरिंग साइड के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में चले जाते हैं कितना कितना लोग पढ़ रहे हैं बाफर लोगों के पास तीन तीन पी होते हैं इसलिए कि वो कॉन्स्टेंटली अपने लिए नए नए टारगेट सेट करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी टारगेट दिया कि तुम जो भी दुनिया कमाओ जो भी दुनिया में तुम इल्म हासिल करो एक टारगेट बना लो कि तुमको कु नेकियों ही में इंशाला कम्पीट करना है अपने लिए एक से एक हदफ बना के रखो और आपका हदफ क्या है बताइए खाली स्टूडेंट ही रहना है आपको आपको टीचर बनना है इंशाला तला और याद रखें कि आम तौर पे जो जैसा स्टूडेंट होता है वैसे ही टीचर बनता है हमने सुना नहीं है कि स्टूडेंट्स बैठे क्लास रूम में और टीचर गायब आम कायदा है ना ये तो हमारे यहां इंस्टीट्यूशंस का तो अब जो स्टूडेंट अगर ये सोच ले कि मुझको तो टीचर बनना है तो फिर आप देखें कि वो किस तरह की स्टूडेंट खुद बनेगी इनशाला तो बेहतरीन स्टूडेंट बने बहुत दिल से काम करें बहुत फर्माबरदारी करें इनशाला और फिर क्या होगा इनशाला कल आपको भी स्टूडेंट्स ऐसे ही मिलेंगे और आप बहुत अच्छी इनशाला टीचर बन सकेंगी और आगे अपनी पढ़ाई के लिए भी कोई ना कोई इलमी टारगेट बना के रखें कि इनशाला अब मुझको इस चीज में एक्सपर्टीज हासिल करनी है या मैं ग्रामर के अंदर एक्सपर्ट बनूंगी माहिर बन जाऊंगी या मैं तजवीज में बनूंगी या तफसीर के अंदर या तर्जुमे के अंदर और देखिये महारत से मुराद क्या है कि एंड तो कोई नहीं है ये अल्लाह की किताब का मामला है क्योंकि इसका एंड तो है नहीं चालीस चालीस साल लोगों ने तफसीरें लिखने में लगा दिए और आखिर में कहते हैं कि हक अदा नहीं हुआ बस वो सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी हकीर खिदमत कबूल कर ले चालीस साल फोर्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स लगाते हैं लोग और फिर ये कहते हैं तो हमने तो बताया उस चालीस साल की खिदमत उनको कुछ नहीं लगती तो बताएं मेरा और आपका क्या मामला है तो लिहाजा कॉन्स्टेंटली अपने को अपग्रेड करते रहना है कभी भी कम्पलसेंट नहीं होना कि बस बहुत कर लिया और ये बहुत कर लिया क्या होते है बहुत थक गए अपने आप को खुद कहते रहते हैं बहुत थक गए हम और क्या कहते रहते हैं टाइम ही नहीं है मेरे पास तो टाइम क्यों नहीं है हमारे पास यकीनन टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल करें बरकत की दुआ करें तो जो ये सारे काम कर लेंगे ईमान लाएंगे फिर नेक आमाल करेंगे और नेक आमाल में फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे फरमाया व उलाय का मैं ये साले लोग हैं तो सालेहीन का जिक्र आ गया मिनस सालेहीन सालेहीन में से हैं यानी नेक लोगों की सोहबत बहुत बड़ी चीज है इससे इंसान की असलाह होती है तो अच्छे दोस्त बने खुद और अच्छे दोस्तों की अच्छी सोहबत को इख्तियार करें बुखारी में हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमर अला दीन खलील ही हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है हम इतना इन्फ्लुएंस होते हैं दोस्तों से फलो कुम तो तुम में से हर एक देख ले मैं युखा किसको किस को दोस्त बना रहा है किस को बडी बनाया है कौन बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है जैसे वो होंगे वैसे हम होंगे और दोस्ती का तकाज़ा है कि एक दूसरे की इलाह की जाए तकाजा है उनको फिसलते देखें उनको गुनाह करते देखें तो उनको पकड़ें, उनको समझाएं, हिकमत से काम लें उनको सीधे रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश करें यह है दोस्ती का तकाज़ा, तो ताला पर अल्लाह भी राजी होगा जैसे कि दिया वमा यफ़अलू मिन खैर जो भी खैर में से वो करेंगे फलें युकफरूह हरगिज़ न कदरी उसकी ना की जाएगी बिल मुत्तकीन और अल्लाह ताला तो मुत्तियों को खूब जानता है अच्छी तरह मिन खैरिन मिन खैर छोटे छोटे हुरूफ़ हैं इला और फी और मिन और इतनी गहराई पैदा कर देते हैं मिन खैरिन से क्या पता चला छोटे से छोटा अमल जो खैर का किया जाए अल्लाह उसकी भी कदरदानी करेगा अल्लाह बड़ा शकूर है बहुत कदरदान है और अल्लाह तो तकबे वालों को खूब जानता है ये खास तौर पे यहां जिक्र एहले किताब का आ रहा है जो एहले किताब इस्लाम में दाखिल हो जाए तो उनको इस्लाम कबूल करने से पहली वाली नेकियों का भी अजर मिलेगा मुखारी में हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन तरह के लोगों को दोहरा अजर मिलेगा डबल रिवॉर्ड मिलेगा उनमें से एक अहले किताब में से वो शख्स है जो अपने नबी पर ईमान लाया और फिर मुझ पर भी इसलिए कि ये आसान नहीं होता अपने दीन को छोड़ना जैसे कि अपनी खानदानी रवायात को छोड़ना आसान काम नहीं है ऐसे सोचे ना दीन को छोड़ना आसान काम है कि आपने तो पुष्ट दर पुष्ट लोगों को उस पर पाया पूरा खानदान एक दिन के ऊपर है आपकी खुशियां और गम जो है उस दिन के तहत है आपकी सेलिब्रेशंस जो है उस दिन के तहत हो रही हैं फैमिली गैदरिंग्स उसके तहत हो रही हैं तो एक दिन को छोड़ना मतलब है पूरे खानदान को छोड़ना एक बिल्कुल आउटकास्ट बन जाना अब क्रिसमस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते यही होगा ना अब चर्च नहीं जा सकते पूरा खानदान इतवार को मिसाल के तौर पर चर्च जा रहे है। एक नहीं जाएगा अब शराब नहीं पी सकते अब सुअर नहीं खा सकते खाने पीने पर पाबंदियां लग जाती हैं तो लिहाजा अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ेगा छोटी सी छोटी नेकी के अल्लाह कदर करता है ये तो फिर बहुत बड़ी चीज है तो उनको दो राजर मिलेगा और बाकी दो कैटेगरीज और हैं अब आप उनके बारे में मत पूछिएगा वो कभी मौका आएगा तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे अब क्या चीज है जो इंसान के कदम रोक लेती है क्यों नहीं हक देख कर हक पहचान कर कबूल क्यों नहीं करने देती फरमाया इन फरमायादीना काफरिया रहे वो लोग जिन्होंने कुफुर का रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में उनको ना उनका माल कुछ काम देगा ना औलाद वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे अल्लाह जरना मैं अल्लाह ताला मुझको और आपको आग से बचाए तो यहां भी शदीद शदीद तरगीब है ईमान लाने की कि इन दुनियावी चीजों को दुनियावी नेमतों को तुम बैरियर नहीं बनने दो पांव की बेड़ियां मत बनने दो तुम अल्लाह की राह में आगे ना आ सको करने का काम यह है कि अपनी औलाद अपने माल से फायदा उठाओ ईमान लाओ यानी ताकि क्यामत के दिन ये दोनों सदकाय जारी शुमार की जाए तुम्हारे लिए ईमान होगा तो पैसा नेक कामों में लगाने की तोफीक होगी ईमान होगा तो औलाद को मुसलमान बनाएंगे और औलाद का अमल मरने के बाद भी फायदा देगा अब देखिए ना दुनिया की आग से कोई अगर बचा लेता है हम कितने उसके एहसानमंद मंद होते हैं तो ये दुनिया की आग नहीं है ये तो आखिरत की आग है जहन्नम है ये तो जो कि सिक्सटी नाइन टाइम्स ज्यादा सख्त है दुनिया की आग से बाज अहादीस में आता है कि अगर जहन्नमी को लाकर दुनिया की आग में डाल दिया जाए उसको नींद आ जाए हम तस्वर क्या कर सकते हैं तस्वुर ही नहीं कर सकते हम तो लेकिन बता दिया ना आप वसल्लम ने कोई क्यामत के दिन कम अज कम इस कमरे में जो बैठा हुआ है वो ये नहीं कह सकते अल्लाह हमको पता नहीं था वी वर अन अवेयर इसलिए हम लापरवाह थे लापरवाही आती किस चीज से जब इंसान को अपने अमल के अंजाम का अंदाजा न हो कि हम कर क्या रहे हैं अब इनके बारे में अल्लाह तला ने फरमाया कि ये जो कुछ खर्च कर रहे हैं अपने दीन की तबलीग पर देखें ये आग की तरफ बुला रहे हैं और कितनी और मेहनतें कर रहे हैं ये करोड़ा करोड़ अरब 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 डॉलर जो है इनके अरबों डॉलर खप रहे हैं तबलीग के ऊपर बेदरेग ये पैसा देते हैं अपने मिशनरीज़ को कि वो जाकर तबलीग करें या जो कुछ भी बहरहाल इन जनरल भी खर्च कर रहे हैं कोई यूमेनिटेरियन कॉजे वगैरा में या मिसाल के तौर पर अपने दीन की तबलीग में या जैसे कुफ्ार मक्का का मामला था कि नबी अक्रम सल्ह वसलम को हराने और तंग करने के लिए वह पैसा खर्च कर रहे थे और आपको पता है कि जो भी ये कैरिकेचर वगैरह बनाते हैं या जो भी कार्टून बनाते हैं मूवीज बनाते हैं अम्बिया पे और नबी अक्रम सल्ह वसल् के खिलाफ वो मुफ्त तो नहीं बन जाती ना पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर टैलेंट लगा रहे हैं वक्त लगा रहे हैं तो उसकी मिसाल दी गई है कि जो कुछ अल्लाह की और दीन की मुखालिफत में ये खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल कैसी है मसलुमायन الدنيا दुनिया कमस जो कुछ अपनी दुनिया की जिंदगी में ये खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है फी सिर जिसमें पाला है असाबत हरसौम एक कौम की खेती पर जा पड़ी फोम किन की खेती पर जा पड़ी जिन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया फ आह लकत हो और उसको बर्बाद करके रख दिया खेती देखने में बड़ी सरसब्ज और शादाब नजर आती है मगर जो मेहनत उस पर की गई वो तो सर्द हवा ने तबाह और बर्बाद कर दिया लिहाजा जो अमाल बगैर ईमान के किए जाए उनकी कोई वैल्यू नहीं मोमिन का मामला तो ये है इस्लाम की नमत को जरा हम समझे अगर कोई शख्स अपने घर वालों को एक निवाला भी खिलाता है अपनी बीवी के मुंह में लुकमा भी डालता है तो अल्लाह के यहां से अजर पाएगा मैं और आप रास्ता चलते पत्थर भी हटा देंगे ना रास्ते से एक कांटा भी हटा देंगे तो अजर मिलेगा खुद हमें बुखार भी आ जाता है अल्लाह अजर देता है गुना ऐसे झड़ते हैं जैसे कि पतझड़ में दरख्तों पर से पत्ते झड़ दे इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुखार को बुरा मत कहा करो हर बीमारी हर तकलीफ खुद जो पहुंचे उस पर अजर कोई तकलीफ किसी और से दूर कर दे उस पर अजर एक एक पैसा जो हम खर्च करते हैं इनशाला इनशाला हमारा रब हमें अजर देगा जो कुछ अब तक हमने खर्च किया है यहां आने पर हमने तो काउंट भी शायद ना किया हो कहाँ काउंट किया होगा हर चीज का जर है नाश्ता भी इस नीयत से किया था कि क्लास में जाएंगे तो इनशाला फ्रेश होंगे तो शाह अल्लाह उस पर भी अजर देगा हर चीज के लिए अजर है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इन्होंने तो जो कुछ भी खर्च किया वो तो उसमें तो ईमान था ही नहीं तो सब बर्बाद हुआ सब बेकार हुआ वमाद अल्लाह ने जुल्म नहीं किया उनके ऊपर वाला किन वाला किन अन्दलिमोन मगर ये खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं अल्लाह को एक ना मानकर खुद जुल्म किया अपने ऊपर और खेती के साथ आप देखें फिर ये ईमान का क्या मामला और जुल्म का क्या मामला है जुल्म कहते किस चीज को दरअसल जुल्म कहते हैं वत ऊ इन फी गैरी महल ही या आप लिख लें का मतलब क्या होता है रखना वत किसी चीज का रखना महल रखना जह, जहां उसकी जगह नहीं थी गलत जगह कोई चीज रख देना मिसाल के तौर पे इस वक्त हम रोज में बैठे हुए ये हमारी जगह है अब अगर दरवाजे पे कोई दो कुर्सियां रखकर बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जुल्म क्यों इसलिए वो बैठने की जगह नहीं है उससे नुकसान होगा आने वालों को तो अल्लाह ने कहा कि इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया फिर खेती की मिसाल और जुल्म का जिक्र और फिर ईमान ना लाने का जिक्र यानी गलत मौसम या गलत वक्त पर कोई खेती लगाएगा तो ये जुल्म होगा ना बीज जाया करेगा भाई वो क्लाइमेट ही नहीं है वो मौसम ही नहीं है फला बीज डालने का और खेती डालके बीज डाल के बैठ गए बेकार हुआ सब यूजलेस हो गया तो बिल्कुल इस तरह गलत अकीदा और उसके तहत अमल करना ये ऐसा है जैसे कि अपना टाइम अपना एफर्ट अपना पैसा वेस्ट करना ये जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर